ऐसे तरक्की हुई है, जैज कैश, इजी पैसा, इस तरह की चीजें आम होती गई हैं। आजकल तकरीबन हर आम आदमी के पास जैज कैश होता है और आप जब जैज कैश से पैसे निकलवाते हैं तो हर 1000 के पीछे आपको 20 रुपए चार्जेस देने पड़ते हैं शॉपकीपर को, दुकानदार को। तो आज मैं अपने भाइयों को वो तरीकेकार बताने के लिए जा रहा हूँ जिस पर अमल करने के बाद आपका एक रुपया भी नहीं लगेगा। अगर आपने 10,000 शॉपकीपर से निकलवाना है जैज कैश तो फिर आपको 200 देना पड़ता है, चार्जेस लगते हैं। लेकिन आज मैं अपने भाइयों को वो तरीका बताऊंगा जिस पर अमल दरामद करने के बाद आपका एक रुपया भी नहीं लगेगा। और वो तरीकेकार ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है, क्योंकि बैंक अकाउंट भी आजकल आम हो चुका है, आपके घर का किसी भी फर्द का कोई बैंक अकाउंट है या आपका बैंक अकाउंट है तो उसका डेफिनेटली एटीएम कार्ड भी होगा। अगर एटीएम कार्ड नहीं है तो नो इशू मेरी जान, उसकी चेक बुक तो होगी, लेकिन मेरे ख्याल से एटीएम कार्ड आजकल बिल्कुल आम हो चुका है। तो आप अपने जैज कैश अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करें पैसे, और जब ट्रांसफ़र हो जाएँ तो अपना एटीएम कार्ड पकड़ें और किसी भी नज़दीकी एटीएम मशीन तक पहुंच जाएं और वहां पर जाकर है वो अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वो लगाएं और पैसे वसूल करें। बिल्कुल सिंपल है, आपने अपने जैज कैश ऐप में जाना है और वहां जाकर आपने मनी ट्रांसफर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और उसके बाद आपने जाकर बैंक को क्लिक करना है और उसके बाद अपना जो है अपने बैंक का नंबर लिखना है और नंबर लिखने के बाद फिर आपने अमाउंट दर्ज करनी है और जब आप अमाउंट दर्ज कर चुके होंगे तो फिर वो आपसे आपका जो है कोड मांगेगा और कोड मांगने के बाद फिर आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लें और इस तरह पहुंच जाएं एटीएम मशीन तक। जिस तरह मैं पहुंच चुका हूं एटीएम मशीन तक एटीएम कार्ड के साथ ताकि मैं पैसे निकलवा सकूं विद आउट एनी काइंड ऑफ चार्जेस। जो मुझे 20-20 रुपए देने पड़ने थे 1000 के पीछे, वो मुझे नहीं देने पड़ेंगे और ये मैं पैसे निकलवाने लगा हूं। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी है, फ़ायदा मंद साबित हुई है तो मेरी वीडियो को जो है वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ले दे के यही एंड पे बचते हैं हमारे पास कि आप सब्सक्राइब कर दें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।